बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अनवार अहमद, आप देख रहे हैं अल्लादीन। दोस्तों, क्या मुर्गा नमाज के लिए बुलाता है? आइए नाजरीन जानते हैं। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक मुर्गे ने बांग दी तो एक शख्स ने कहा, हे अल्लाह, इस पर लानत कर। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसे लानत न करो और बुरा न कहो, बेशक यह नमाज के लिए बुलाता है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हजरत अल्लामा कमालुद्दीन दमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मुर्गा नमाज के लिए बुलाता है, ये माना यह नहीं है कि जब वो बांग दिया करे तो यह समझ लिया जाए कि नमाज का वक्त हो गया है, बल्कि मुर्गे की फितरत में यह बात है कि वो तुलुए फजर के वक्त बार बार आवाज यानी बांग देता है, जिसकी वजह से लोग नमाज के लिए उठ जाते हैं और यूं मुर्गा नमाज के लिए लोगों को जाग उठाने का एक जरिया बन जाता है। दोस्तों, इसको मजाजन यानी मुरादी तौर पर यानी मुर्गा नमाज के लिए बुलाता है, ऐसा कहा जाता है। बहरहाल वक्त फज्र के ताल्लुक से इसकी अजान यानी बांग का एतमाद हरगिज न किया जाए, क्योंकि अक्सर तजवीरात से यह भी साबित होता है कि इंसान की आहट और चहल पहल सुनकर मुर्गे सुबह सादिक से पहले भी बांग देना शुरू कर देते हैं और आवाज करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, पसंद आ गई होगी। इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करना और इस वीडियो को अपने अजीजों के साथ जरूर शेयर करना। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा।